हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज़ निशा और आप लोग थंबनेल पे देख सकते हो कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं इन 2022। सो ये जो आज की वीडियो रहने वाली है वो मॉक टेस्ट एनालिसिस के ऊपर रहने वाली है कि आपको अपने मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना चाहिए जिससे आप अपने मार्क्स इम्प्रूव कर पाएँ और इनक्रीज कर पाएँ विद द टाइम। ठीक है, देखो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सिर्फ मॉक टेस्ट देना फ़ायदा नहीं करेगा आपको, आपको उसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पता है, कभी कभी तो मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा अगर उसका एनालिसिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो इंसान मॉक टेस्ट नहीं दे रहा है ना, चलो वो तो ठीक है, बट अगर आप मॉक टेस्ट दे के भी एनालिसिस नहीं कर रहे हो सो देन दैट्स अ बिग मिस्टेक फ्रॉम योर एंड। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी प्रिपरेशन अप्रैल 2022 में स्टार्ट करी थी बिकॉज सो मेनी पीपल आस्क अबाउट इट, तो इससे और नहीं मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ठीक है, तो अब देखो बिफोर मूविंग टू दी मॉक टेस्ट एनालिसिस मैं एक और बात आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है वो बताना चाहूँगी कि ऑलिव वुड का ना फ्री लाइव मॉक आया पड़ा है आरबीआई असिस्टेंट का। सो प्लीज़ आप लोग जाओ, फ्री है, ऑलिव वुड की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पर लॉग इन करो, मैं भी आपको दिखा दूँगी कैसे होता है, और प्लीज़ जाके दो। पता है लाइव मॉक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। When it comes to me, मैं तो हर बार देती थी जब भी जहाँ पे भी जोन सी एप्लीकेशन पे भी लाइव मॉक होता था, बिकॉज बहुत सारे लोग देते हैं और आपको पता चल जाता है कि वेयर आर यू स्टैंडिंग इन दैट क्राउड, आपका लेवल क्या है, कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट है वो कल शाम को आ जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग जाओ, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आए, आप दे चुके हो तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज़ हाउ आप लॉग इन कर सकते हो ऑलिव बोर्ड की एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो आपको लॉग इन करना है और आपको सामने ही ना ये आरबीआई असिस्टेंट लाइव टेस्ट दिख जाएगा, एनरोल नाउ May 6 and 7, और शाम को इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये अवेलेबल है टिल May 7, 7 PM तक, तो आप लोग प्लीज़ जाकर दीजिए। देखो सबसे पहले मॉक एनालिसिस से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी जो हर एक मॉक में काम आएंगी, प्लीज़ फॉलो दैट। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैम हम ना पहले सबमिट कर देते हैं मॉक, उसके बाद हम उसको सॉल्व करके बैठेंगे। ऐसे नहीं करना है, अगर आप सॉल्व उस टाइम पे नहीं करोगे विद द टाइमर तो आपको मेंटली वो प्रेशर बिल्ड नहीं होगा आपके ब्रेन पे, और मेंटली अगर प्रेशर बिल्ड नहीं होगा तो वो आपको हेल्प ही नहीं करेगा आपके एग्ज़ाम में जाकर। तो प्लीज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोग टाइमर लगा के ही मॉक दो, सबमिट नहीं करना है बिना सॉल्व किए। ठीक है, ये फर्स्ट चीज़ है। सेकेंड चीज़, देखो ये चीज़ पता है, टू बी ऑनेस्ट मैंने फॉलो करी है, मैंने एक बार सबमिट करके दिया था और मैंने एक बार बिना सबमिट करे दिया। दैट डे आई गॉट टू नो कि भाई सबमिट करके कोई फ़ायदा नहीं होता है देने का, इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ मॉक एंड योर टाइम ऑल्सो, सो प्लीज़ डोंट डू दैट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर एग्जाम्पल काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैम हम क्या करेंगे ना, मेन्स का मॉक मान लो आप, चार सेक्शंस है, हम रीजनिंग इंग्लिश एक दिन दे लें, फिर क्वांट्स और जनरल अवेयरनेस सेकेंड डे, थर्ड डे उसका एनालिसिस, तो ऐसे तो आपका एक मॉक ही 3 दिन आपका चल रहा है। और मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो देखो इंग्लिश में ना इंपॉर्टेंट क्या होता है, मेरा एक क्लोज टेस्ट कोई गलत हुआ, उसमें मैंने मान लो गलत वर्ड मार्क कर दिया, और वो चीज़ मेरी गलत थी, मुझे पहले दिन मैंने इंग्लिश दिया, मुझे मेरी गलती किस दिन पता चली, थर्ड डे जाकर, क्या मैं उस चीज़ का एनालिसिस अच्छे से कर पाऊँगी, क्या मुझे याद रहेगा कि मैंने वो जो वर्ड मार्क किया था वो गलत क्यों था, उस टाइम पर मेरे माइंड में क्या चल रहा था, मेरा क्या माइंड सेट था, नहीं हो पाएगा एनालिसिस। फेयर एनालिसिस करने के लिए आपको सेम डे एनालिसिस करना पड़ेगा मॉक का। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो ना तो प्लीज़ आप मेंस का मॉक दो, इंग्लिश का एनालिसिस एटलीस्ट इंग्लिश का एनालिसिस सेम डे कर लो आप, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आपकी सुधरेगी अगर एनालिसिस करोगे मॉक का। बाकी सेक्शंस चलो एक बार को फिर भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है सेम डे एनालिसिस, स्टिल यू कैन शिफ्ट इट टू अदर डे, बट मैं तो बोलूँगी सेम डे कर पाओ, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ इंग्लिश का तो सेम डे करोगी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे मॉक के एनालिसिस पे। देखो मेरे अकॉर्डिंग ना 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने भी देखो काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखी थी, तब जाके मेरे को जो सही लगा ना मैंने वो अप्रोच करी, आपको ऊपर नीचे आप कर सकते हो मेरी अप्रोच में। ठीक है, 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो आपने सही कर लिए, जो आपके क्वेश्चंस गलत थे, जो क्वेश्चंस आपने देखे पर फिर छोड़ दिए क्योंकि आपको आते नहीं थे, और 4th टाइप के क्वेश्चंस जो आपने देखे ही नहीं, आपको टाइम नहीं मिला या जो मर्जी कह लो लैक ऑफ टाइम था, उसकी वजह से आप क्वेश्चंस देख ही नहीं पाए, वो चौथे टाइप का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं करती थी, कोई भी मॉक दिया, मेंस का मान लो, प्रीलिम्स का मान लो, सबसे पहले मैं अपने रॉन्ग क्वेश्चंस को देखूंगी कि रॉन्ग क्वेश्चंस मैंने वो करे तो मैंने क्यों करे, उस टाइम पे मैं क्या सोच रही थी, मेरा थिंकिंग क्या थी। कोई इंग्लिश का क्वेश्चन, पहले आप इंग्लिश का ना RC ले लो,
मेरा आरसी में एक क्वेश्चन गलत हुआ, मुझे वो चीज़ उसी टाइम पे समझनी ज़रूरी है कि क्या मेरा कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी ख़राब थी, मैंने वो क्वेश्चन को अच्छे से मैं अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पाई जो भी पूछा गया, क्यों मेरा आंसर गलत हुआ। कोई नई वो कैब है तो प्लीज़ नोट इट डाउन, ठीक है। मॉक की वो कैब तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लिया करो, उसको रिवाइज करा करो। मॉक की वो कैब अप्रोप्रिएट और मतलब सही होती है व्हेन इट कम्स टू एग्ज़ाम्स, उसके अकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश में, रीजनिंग में, क्वांट्स में, सब में यही चीज़ लागू होती है कि सबसे पहले अपने गलत क्वेश्चंस देखो, आपने गलत किए तो क्यों किए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि आप वो चीज़ फिर से गलती रिपीट ना करो। देखो गलती करोगे ना, आपका 0.25 जो भी आपका 1/4 मार्किंग है, आपका नेगेटिव मार्किंग में जाएगा, पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो बेटर नॉट टू अटेम्प्ट इट, रादर देन आप अपना नुकसान कर रहे हो, 0.25 अपने मार्क्स कटवा रहे हो व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स, और मेंस में तो और भी ज़्यादा कटेंगे फिर। तो प्लीज़ आपका पहला सबसे मेन मकसद क्या होना चाहिए कि आपके नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आप उसको एकदम मिनिमम पे लेके आओ, अपने रॉन्ग क्वेश्चंस एकदम कम कर लो, क्योंकि आपके ऊपर ही दिक्कत होगी आपको, तो आपका 0.25 आपका 1/4 मार्क कटेगा, तो अपना ही नुकसान है और किसी का नहीं है, ठीक है। तो रॉन्ग क्वेश्चंस एकदम कम कर दो। सेकंड चीज़, मैं सेकंड कौन से क्वेश्चंस को उठाती थी, जो मैंने मतलब देख ही नहीं पाई हूँ मैं जिन क्वेश्चंस को, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स में ऐसा होता है कि 20 मिनट में मैं कॉइंस के सारे क्वेश्चंस नहीं देख पाई, तो पहले मैं उनको एकदम रिडक्शन करूंगी उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, कि मैं अपना टाइम किस हिसाब से बिठाऊं कि मैं सारे क्वेश्चंस को एटलीस्ट गो थ्रू कर पाऊं। देखो अगर आप गो थ्रू ही नहीं करोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कौन से टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, और मान लो आपने वही कोई टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपने गो थ्रू ही नहीं करा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, मतलब जो आपको आता था अच्छे से। फॉर एग्जांपल देखो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्ट्रांग है, ठीक है, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट में क्वेश्चंस थे, मैं देख ही नहीं पाई और वो क्वेश्चंस मेरे रह गए, वो फ्री के मार्क्स देने वाले थे मुझे। या रीजनिंग में मान लो, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल एक पजल आई है, फॉर एग्जांपल आप मान लो मतलब सर्कल बेस्ड पजल आई है, वो मेरी थोड़ी अच्छी है, ठीक है। तो सर्कल बेस्ड पजल लास्ट में थी, मैंने देखा ही नहीं और मैं आगे वाली पजल्स में अटकी रह गई, और मेरी जो अच्छी पजल थी मैंने वो छोड़ दी। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिनको आप नहीं देख पाए हो ना, प्लीज़ फोकस ऑन दैट। अगर पहले मॉक में आपके वो क्वेश्चंस 10 बन रहे हैं जिनको आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, जिनको देख नहीं पा रहे हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आने वाले मॉक्स में आप उनका नंबर 0 तक लेके आओ, उन 10 क्वेश्चंस को 0 तक लेके आना, कि एटलीस्ट आप सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू ज़रूर कर रहे हो, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके सही क्वेश्चंस थे, बट आपने उसमें टाइम इतना ज़्यादा लगा दिया कि आप ऐसे क्वेश्चंस को नहीं कर पाए जो आपको शायद डाउट में थे आप कि मुझसे होंगे या नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मेंस का मेरा एक पजल थी, मैंने अभी कुछ दिन पहले आप देखी थी मॉक एनालिसिस के ही चक्कर में, कि देखो एक पजल थी, 3 रोज वाली पजल आई हुई थी IBPS PO मेंस के मॉक में, वो 3 रो वाली पजल मेरे से 14.5 मिनट में सॉल्व हुई, और वहीं पे जो टॉपर था उसने 6.5 मिनट में सॉल्व कर दी थी। देख रहे हो कितना ज़्यादा टाइम सेव हुआ उसका मेरे से। तो उन क्वेश्चंस को मैं फोकस करूँगी, क्या मैंने गलत स्टेटमेंट सबसे पहले उठा ली थी, या मैं गलत पॉसिबिलिटी में फंसी रह गई, तो कौन सी सिचुएशन, मतलब क्या ऐसा चीज़ हो सकती थी जो मैं मिनिमाइज़ कर सकती थी और अपना टाइम बचा सकती थी मैं, उन चीज़ों पे भी एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही क्वेश्चंस को आप यूं ही नहीं छोड़ सकते, सही हुए हैं अच्छी बात है, बट उन पे जितना टाइम लगाया गया है उसको कम कैसे बनाया जाए, मतलब आप कंपैरिजन देखो, मेरा 14.5 मिनट, टॉपर का 6.5 मिनट, 8 मिनट का अंतर है, 8 मिनट में तो कितना कुछ हो सकता है। और सो वही अपनको ना ठीक करना है, बेटर करना है, वही इम्प्रूव करना है। अब हम लास्ट में आते हैं उन क्वेश्चंस पे जो कि मुझे, मैंने देखे ज़रूर पर मुझे आते नहीं थे लैक ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की वजह से। क्या पता मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं था, या मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं करी उस पर्टिकुलर टॉपिक की कि मेरे से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। देखो हर एक पर्सन का ना एक स्ट्रांग एरिया होता है, एक वीक एरिया होता है। मुझे पता है कि मेरे अर्थमेटिक में ऐसे कौन से टॉपिक्स है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ऐसा टॉपिक है जो मेरा बहुत वीक है, तो मैं उस क्वेश्चन को देखूंगी ना तो मैं तभी कभी छोड़ दूंगी कि ये मेरा ज़्यादा टाइम खा सकता है, इसको भी रहने देते हैं। तो लास्ट में आपको ना उन क्वेश्चंस पे आना है जो आपके लिए वीक हैं, क्योंकि देखो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, वो ऑलरेडी टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जो वीक हैं, आपको उस पर ज़्यादा समय देना पड़ेगा, ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तभी आपके वो टॉपिक स्ट्रांग होंगे। इसलिए मैंने उन क्वेश्चंस को मैं लास्ट में करती थी, क्योंकि जो अच्छे हैं उसको ज़्यादा अच्छा बनाऊं तो ज़्यादा तो समय भी कम लगेगा और मेरे को फ़ायदा भी ज़्यादा मिलेगा, और ऐसे क्वेश्चंस जो मेरा वीक ही है, जो मुझे छोड़ने ही हैं एंड में, उस पर थोड़ा कम समय देती थी मैं। मोटी मोटी मेरी ये अप्रोच रहती थी कि मैं पहले अपने रॉन्ग क्वेश्चंस को देखूंगी, उसके बाद मैं उन क्वेश्चंस को देखूंगी जो मैं देख ही नहीं पाई हूँ, ताकि मैं सारे क्वेश्चंस को एक बार एटलीस्ट गो थ्रू कर पाऊँ, ये मेरी कोशिश रहती थी। उसके बाद जो मेरे सही क्वेश्चंस हुए हैं उसमें मैं कम टाइम कैसे लगाऊँ,
उनको अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाऊं, और फोर्थ चीज़ जो मुझे आते ही नहीं थे मेरे कॉन्सेप्ट वीक होने की वजह से, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था उनकी वजह से, तो मैं एंड में उन पर फोकस करूँगी। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी। आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हो। देखो मैंने ना किसी किसी की यूट्यूब वीडियो में मैंने ये भी देखा है कि पहले आप उन क्वेश्चंस को कवर करो जो आप देख ही नहीं पाए हो, आपने गो थ्रू नहीं किया है, उसके बाद आप रॉन्ग क्वेश्चंस पे आओ। हर एक बंदे की अलग अलग हो सकती है। ये चीज़ मेरे लिए काम करी कि मैंने सबसे पहले गलत क्वेश्चंस को देखा, क्योंकि देखो उस टाइम पे मेरा कॉन्सेप्ट माइंड में फ्रेश था कि मैंने क्वेश्चन गलत किया है तो क्यों गलत किया है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं तभी के तभी उसको देख लूँ ताकि मैं वो गलती रिपीट ना करूँ। इसलिए मैंने रॉन्ग क्वेश्चंस को पहले लिया। आपकी मर्जी है, आपको जो चीज़ बेस्ट सूटेबल रखती है ना। और मैं बहुत जल्दी लाइव मॉक भी स्केड्यूल करने का सोच रही हूँ, या फिर आपको अपने अपने मॉक के थ्रू आपको एनालिसिस बता पाऊँ। मैंने अगर कोई मॉक अभी हाल ही में सॉल्व किया हो तो मैं वो भी कोशिश करूँगी। ये मेरा मोटा मोटा कंसेप्ट था कि ये स्टेप्स मैं फॉलो करती थी। मैंने आपको अपने स्टेप्स बता दिए हैं, आप इसको जगल करना चाहो ऊपर नीचे वो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके अलावा ना एक्चुअली एक और चीज़, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने अपनी प्रिपरेशन घर पे बैठ के करी थी या मैं लाइब्रेरी जाती थी। देखो मैंने अपनी प्रिपरेशन पूरी की पूरी घर में बैठ के ही करी थी, मैं लाइब्रेरी नहीं जाती थी। वो पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, मुझे ऐसे लगता है लाइब्रेरी जाने में मेरे को आधा घंटा लगेगा, फिर मैं लंच के लिए वापस आऊँगी घर पे आधा घंटा, फिर मैं गई आधा घंटा, और फिर शाम को आने में आधा घंटा, 2 घंटा मेरा यहाँ पे वेस्ट हो चुका है। तो घर में रहूँगी तो मेरा टाइम सेव ही होगा और मैं रेस्ट भी ज़्यादा कर पाऊँगी, ऐसा ये मेरी पर्सनल थिंकिंग थी। क्योंकि मेरे घर का माहौल मुझे एप्ट लगता था, अप्रोप्रिएट लगता था स्टडीज़ के लिए। इसलिए अगर आप लोग सोचते हो कि घर का माहौल इतना अच्छा नहीं है कि हम नहीं पढ़ सकते हैं घर पे बैठ के, तो प्लीज़ आप लोग लाइब्रेरी जाओ। ठीक है, एट द एंड मोटिव क्या है कि पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे पढ़ाई घर पे बैठ के हो चाहे पढ़ाई लाइब्रेरी में बैठ के हो, पढ़ाई होनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ उस पर फोकस करो। मैं अपनी सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, सो आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे स्ट्रैटेजी वीडियो करके मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका स्ट्रैटेजी वीडियो का लिंक दे दूँगी। उसे मैंने क्रिटिकल रीजनिंग, बैंकिंग अवेयरनेस, रीजनिंग, कॉन्स, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। तो आप लोग प्लीज़ जाइए और वो देखिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी अपना शेयर कर रखा है, IBPS PO एंड SBI PO। RRB PO का मैं बहुत जल्दी लेके आ जाऊँगी क्योंकि RRB PO के बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज़ अगर आपको जो भी सेक्शन में प्रॉब्लम हो रही हो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, सूटेबल होगा तो मैं आपको पर्सनल रिप्लाई दे दूंगी। अदरवाइज अगर बहुत सारे लोगों की वो क्वेरी होगी तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, नो वरीज। सो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए अपना, एंड प्लीज़ देखो जम के प्रिपेरेशन करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर ना आप लोगों को प्लीज़ रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि जब आप ये साल ख़त्म हो रहा हो, जब IBPS के कैलेंडर के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रही हों, सो आई जस्ट प्रे कि आप सारे लोगों का सिलेक्शन हो चुका हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गिव योर बेस्ट, गिव योर 100%। ठीक है, क्योंकि अगर 100% दोगे तभी कुछ रिजल्ट निकल के आ पाएगा। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मेरी वीडियो जरिए भी पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, कॉन्टेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए वैल्यूएबल कंटेंट को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।